हम छोटी पैकिंग मास गेनर लेते हैं तो उससे हमारी कितनी गेनिंग हो जाएगी? इनकी बॉडी स्किनी पतली एक्टोमॉर्फ है, इजीली वेट पुट ऑन नहीं हो पाता है, उनके लिए चॉइस होती है मास गेनर। मास गेनर को हमें ऐसे यूज करना है कि हम उसका मिनिमम यूज करके मैक्सिमम रिजल्ट उठा सकें। कुछ लोग होते हैं जिनका मेटाबॉलिज्म ना काफी फास्ट होता है, बॉडी ऑलरेडी स्किनी होती है और सबसे बड़ी परेशानी होती है कि उनको भूख ही नहीं लगती। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है सप्लीमेंट्स विला। और दोस्तों यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं सप्लीमेंट से जुड़ी हर एक बात, हर एक पॉइंट, हर एक नॉलेज जो आपको सप्लीमेंट खरीदने से पहले ध्यान रखनी चाहिए, सप्लीमेंट खरीदते टाइम आपको काफी काम आने वाली है। तो दोस्तों आज हम फिर हाजिर हैं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ और आप ही के एक सवाल को लेकर जो कि मेरे पास अक्सर आता है, और वैसे मैं काफ़ी वीडियोस में इसको एक्सप्लेन कर चुका हूं, बट एक स्पेशल वीडियो आप ही की रिक्वेस्ट पर मैं बना रहा हूं। आपका सवाल आता है कि सर हम छोटी पैकिंग मास गेनर लेते हैं, चाहे कोई भी मास गेनर लें, लबराडा ले लें, आरसी ले लें, म्यूटेंट ले लें, कोई भी मास गेनर अगर हम छोटी पैकिंग में लेते हैं जो कि होती है 2.5 किलो 3 किलो की, तो उससे हमारी कितनी गेनिंग हो जाएगी, कितना वेट पुट ऑन होगा हमको? तो ये क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। मैं आपको क्लियरली बताऊंगा कि इससे कितना रिजल्ट आपको आ सकता है। दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं कि मास गेनर है क्या चीज़, क्या है, किसे लेना चाहिए, ये समझना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों मास गेनर आप कह सकते हैं कंप्लीट मील होती है जिसमें आपको प्रोटीन भी मिलता है, कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है, फैट भी मिलता है, विटामिन्स मिनरल्स भी मिलते हैं जो कि आपके वेट को भी पुट ऑन कराते हैं और मसल साइज भी गेन कराते हैं। जिनकी बॉडी स्किनी पतली एक्टोमॉर्फ है, इजीली वेट पुट ऑन नहीं हो पाता है, उनके लिए चॉइस होती है मास गेनर और उनको लेना भी मास गेनर चाहिए। और दोस्तों अब सवाल आता है कि यार अगर हम 3 किलो का एक डिब्बा लेते हैं मास गेनर का तो हमको कितने रिजल्ट उससे आ सकते हैं? तो दोस्तों एक चीज़ जो मैं आपको बता दूँ वो है कि मास गेनर जो आपका बॉक्स आ रहा है, रिजल्ट जो है उस पर डिपेंड नहीं है, उस बॉक्स के ऊपर रिजल्ट डिपेंड है आपकी डाइट के ऊपर, आपकी एक्सरसाइज के ऊपर, आपके रेस्ट के ऊपर। दोस्तों आप अगर अपना बेस स्ट्रांग रखते हैं, अपनी डाइट स्ट्रांग रखते हैं, अगर एक्सरसाइज रेगुलर करते हैं और अगर आप रेस्ट पर भी पूरा ध्यान दे रहे हैं और सही तरीके से कर रहे हैं तो आपको एक जो बॉक्स है 3 किलो का उसमें कम से कम अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताऊँ, जो रिव्यूज़ हमारे पास आते हैं, 3 किलो से लेकर और 5 किलो तक वेट गेन हो सकता है। और काफ़ी बार तो दोस्तों ऐसा भी देखा गया है कि कुछ जो लोग होते हैं जो मास गेनर्स यूज़ करते हैं 3 किलो का, उन्होंने उससे 5-5, 6-6 किलो वेट भी गेन किया है। क्योंकि मास गेनर को यूज़ करने का भी एक तरीका होता है कि मास गेनर को हमें ऐसे यूज़ करना है कि हम उसका मिनिमम यूज़ करके मैक्सिमम रिजल्ट उठा सकें। कैसे होगा वो? अगर आपने मास गेनर पर कभी नोटिस किया हो ना तो उसके ऊपर जो उसकी सर्विंग्स होती हैं वो बहुत ही हैवी होती हैं, मतलब 250 ग्राम, 300 ग्राम, 350 ग्राम, ऐसे सर्विंग्स होती हैं उसकी। तो दोस्तों अगर आप इसी तरीके से सर्विंग मास गेनर की लेंगे तो मुझे लगता है कि आप जो है उसका मिनिमम यूज़ नहीं कर रहे हैं, आप उसका जो कंपनी रिकमेंड कर रही है मैक्सिमम जो यूज़ है उसका वो कर रहे हैं आप। तो आपको ऐसा नहीं करना है। इसको लेकर वैसे मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने बताया कि मास गेनर कैसे यूज़ करना चाहिए, तो वीडियो आप ज़रूर देखेंगे, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और थंबनेल आ रहा है आपकी स्क्रीन पे। बाकी मैं आपको जनरली बताता हूँ कि हम मिनिमम यूज़ करके मैक्सिमम कैसे लाभ उठा सकते हैं मास गेनर का। मास गेनर को आप यूज़ कीजिए नेचुरल डाइट की सपोर्ट के साथ। कैसे? कि आप मास गेनर का 1 या 1.5 स्कूप लें स्टार्टिंग में, दूध में लें, साथ में बनाना, ब्राउन ब्रेड, ड्राई फ्रूट्स, आप डेट्स, इस तरीके से जो नेचुरल डाइट है उसकी भी सपोर्ट लेके चलें, उसका भी पूरा साथ रखें, देन मास गेनर को भी ऐड करें। दोस्तों मिनिमम यूज़ करेंगे आप और मैक्सिमम फ़ायदा उठा पाएंगे। तो आप अगर अपनी डाइट अच्छे से लेते हैं ना तो आपको 110% 3 किलो से 5 किलो तक गेनिंग हो सकती है। बाकी दोस्तों एक और चीज़ मैं बताऊं कि कुछ जो है गेनिंग वो बॉडी टाइप पे भी डिपेंड करती है। कुछ लोग होते हैं जिनका मेटाबॉलिज्म ना काफ़ी फास्ट होता है, बॉडी ऑलरेडी स्किनी होती है और सबसे बड़ी परेशानी होती है कि उनको भूख ही नहीं लगती, और वो काफ़ी बार मास गेनर इस उम्मीद में भी खरीद लेते हैं कि यार मास गेनर से भूख लग जाएगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मास गेनर का भूख से कोई मतलब नहीं होता है। भूख जो है आपकी नेचुरली इंक्रीज होती है, नेचुरली आपकी लगेगी। उसको इंक्रीज करने के लिए आप जो है ना वाटर इनटेक अच्छा रखें, थोड़ा फिजिकल वर्कआउट ऐड करें, लीवर 52 हो गया है मान लिया, नाउ लीवर रिफ्रेश हो गया, इस टाइप में जो है आप कह सकते हैं हर्बल सप्लीमेंट भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ जो है उनके साथ होती है कि यार भूख भी नहीं लग रही, मेटाबॉलिज्म भी हाई है, तो हो सकता है कि उनको रिजल्ट में थोड़ा बहुत जो है ऊपर नीचे अप डाउन, जैसे मैं बता रहा हूँ कि 3 किलो से 5 किलो, तो हो सकता है उनको 2 किलो ही गेन हो सकता है उनको 3 किलो ही गेन हो। तो ये बॉडी टू बॉडी टाइप भी डिपेंड करता है। बाकी मैं आपको जो है रिव्यूज़ के अकॉर्डिंग जो है बता रहा हूँ कि अगर आप डाइट अच्छी रखते हैं, डाइट प्लान अच्छा फॉलो करते हैं, कैलोरी सरप्लस डाइट पे रहते हैं आप, और आप मास गेनर को प्रॉपर तरीके से मतलब मिनिमम यूज़ और मैक्सिमम रिजल्ट पर्पज से आप उसे यूज़ करते हैं, तो मैं कहता हूँ कि आपके 3 से 5 किलो तक
वेट गेन, वेट गेन में आपका जो है मसल साइज भी गेन होगा। अंडरवेट वालों के लिए मास गेनर काफी अच्छी चॉइस रहती है, क्योंकि बॉडी में कुछ होता ही नहीं है और वजन बढ़ाना ही प्राइमरी गोल होता है, और मसल साइज के साथ वजन बढ़े तो फिर मजा ही अलग है। तो आप जो है कोई भी मास गेनर लीजिए दोस्तों, वो आपका वेट और आपका मसल साइज दोनों ही ग्रोथ कराएगा। तो इस तरीके से मास गेनर आपको यूज़ करना है, तो आप एक 3 किलो की पैकिंग जो मास गेनर की आती है, 3.5 किलो की जो आती है, उसमें आप 3 किलो से लेके 5 किलो तक अपनी बल्किंग गोल्स, अपना बॉडी मास इंक्रीज कर सकते हैं। तो अब आपको समझ आ ही गया होगा कि एक छोटे डिब्बे में कितना आपको गेनिंग हो सकती है। बाकी मैंने बता दिया कि बॉडी टू बॉडी टाइप भी डिपेंड करती है, जो मैंने आपको फिगर्स बताई हैं 3 से 5 किलो, वो जो है 2 से 4 किलो भी हो सकती हैं, 2 से 3 किलो भी हो सकती हैं, बट ये मैं जरूर कहूँगा कि आपको कुछ ना कुछ गेन जरूर होंगे अगर आप डाइट पे पूरा कंट्रोल रखते हैं। और एक सवाल और मैं इसमें कवर कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ, जिसका जवाब देना है मुझे, वो होता है कि मास गेनर जब छोड़ेंगे तो फिर वेट पुट ऑन जो हमने किया है वो डाउन तो नहीं हो जाएगा। तो उसका जवाब है दोस्तों, अगर आप डाइट मेंटेन रखते हैं अपनी, तो वेट पुट ऑन जो आपने किया है वो डाउन नहीं जाएगा। थोड़ा बहुत 19-20 का मैं नहीं कह सकता, बाकी ऐसा नहीं होगा कि आपने 5 किलो गेन किया और जो है 1 किलो ही रह गया। 5 किलो गेन किया, हो सकता है कि 4.5 किलो रह जाए, बट मैं ये नहीं कहूँगा कि वो जो है आपका बिल्कुल ही डाउन हो जाएगा अगर आप डाइट पे पूरा फोकस रखते हैं। हमारे साथ परेशानी क्या होती है कि जब मास गेनर लेते हैं ना, जोश में लेते हैं, मास गेनर भी खा रहे हैं, डाइट भी ले रहे हैं, एक्सरसाइज पे पूरा फोकस है, अब तो बॉडी बनानी है बनानी है, जब आप ऐसी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ करते हैं और बन भी जाती है, गोल्स अचीव हो जाते हैं, उसके बाद मास गेनर भी खत्म, डाइट भी खत्म, एक्सरसाइज का पता नहीं है, अब तो आराम से उठ रहे हैं, आराम से सो रहे हैं, पूरा मतलब फोकस ही खत्म हो गया। तो फिर दोस्तों गेन्स जो आपने किए हैं यार, कौन रोक पाएगा उन्हें? कोई नहीं रोक पाएगा। तो उनको रोकने के लिए जो है आप डाइट पर रेगुलर फोकस बना के रखें। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो काफ़ी काम की रही होगी। कुछ और क्वेश्चन है आपको इसी टॉपिक से रिलेटेड तो कमेंट करके पूछिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी वीडियोस देखते रहने के लिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहेंगे जो आपको अपडेट रखेंगी, अवेयर रखेंगी। मार्केट में अवेलेबल है एक सप्लीमेंट से, आज की वीडियो में बस इतना ही, अगली बार मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नए सप्लीमेंट के साथ, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्ते। चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं।